जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रियाज पिजन आउटलेट के कॉर्नर से, अपने ही चैनल से। और मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी, खलीफा साहब हैं, यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल के पास रिहाइश है उनकी लाहौर के अंदर। और बड़े अच्छे ब्रीडर कबूतर उन्होंने रखे हुए हैं और अपना सेटअप उड़ाते भी हैं, बड़ा अच्छा शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश किया करें, पहले तो मैं अर्ज़ी करना चाह रहा हूँ कि जनाब कोई जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है नए आने वालों की भी और कुछ शौक भी बढ़ता है इससे। ज़ाहिर है हम लोग भी एक यूट्यूब चैनल को चला रहे होते हैं, कोई भी है बंदा तो यूट्यूब चैनल को भी चला रहा होता है और परिंदों का शौक तो एक हो ही रहा है साथ साथ। कोशिश किया करें कि सब्सक्राइब करने के बाद उसको शेयर भी कर दिया करें। यहाँ इनके पास ना ब्रीडिंग के हवाले से बड़े अच्छे बच्चे निकले हुए थे, काफ़ी सारे दोस्त मुझे आजकल बच्चों का कह रहे थे अगले चेतर में इंशाल्लाह टूर्नामेंट उड़ाने हैं या कुछ जिसकी बाजियाँ लगी हुई हैं। तो मैं रूटीन में ऐसे बाहर से ख़रीद के नहीं देता होता, मेरी कोशिश होती है कि उस छत से दिए जाएँ जिनका कोई अपना नाम हो और काम भी करते हों बच्चे आगे जाके, क्योंकि बच्चों का रिज़ल्ट फौरी आ जाना होता है, जैसे ही देने हैं जाके किसी ने उड़ा लेने तो रिज़ल्ट उधर आ जाना, तो मुनासिब होता है कि वो अच्छी चीज़ दी जाए। ऐसे कोई बाद में क्लेम करने से बेहतर है कि बंदा पहले अच्छी चीज़ें दे दे। यहाँ अगर ये कैमरा इधर भाई करें ना थोड़ा सा, तो ये देखें ये बच्चे पले में, ये तो तकरीबन कुछ 40 के करीब बच्चे हैं इनके पास इस वक्त, और ज़्यादातर दो ही नस्लें, दो नस्लें सिर्फ ऑलमोस्ट, कोई टैडी हैं या इनके चीने बड़े मशहूर हैं सेवन अप वाले के नाम से, इनके चीने काफ़ी मशहूर हैं, उन्हीं में से ज़्यादातर बच्चे निकले हुए हैं। कोशिश करता हूँ मैं कुछ दो चार बच्चों का आपको शौक करवा देता हूँ। इनके पास ब्रीडर भी पड़े हुए हैं बड़े कबूतर टैडियों में, और दूसरे भी हैं कुछ, लेकिन अगर किसी को अच्छे कबूतर चाहिए हो तो वही मिल जाएंगे। वैसे इनका अपना सेटअप भी है अल्हम्दुलिल्लाह, को अगर आप कुछ देखना चाहता हो शौक इनका तो लाहौर में आएँ, चक्कर लगाएँ हमारे पास आके देखें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये बच्चे जो है कुछ, मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं शौक थोड़ा सा करवा देता हूँ। अब ये टैडी बच्चा है, ये अब बच्चे को आप देखें, उसका डायल चैल चेहरा मोरा हर चीज़ फुली फिट है, किसी किस्म का कोई ना इनमें कोई पलवाई का मसला आएगा और ना ही ये छोटे बड़े साइज़ के होंगे, एक साइज़ के और बिल्कुल परफेक्ट बच्चे होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से बच्चे पंजे जो ना उसके जामने हैं बच्चे के, अब ये भी उस्ताद जी मेरे, ये चीनों में से निकला हुआ कि टैडियों में से, ये टैडी टैडियों में से निकला हुआ ये बच्चा, सारे बच्चे फुली फिट हैं, किसी किस्म के कोई पर कुंदे में ना मसला है और ना ही इनके कोई हड्डी जोड़ का, बड़े एग्जैक्ट बने हुए हैं। पलवाइयाँ इनकी वैसे बहुत अच्छी हैं, आप देखें ना इतनी सर्दी है लास्ट दिनों में रही है उसके बावजूद बच्चे बड़े अच्छे पले हुए हैं। देखें कुछ बच्चे कलियों में चले गए हैं, कुछ जीरो कली के, अब ये चीनों में से बच्चा ये वाला, देखें सबके बारीक पंजे और खुश पन्नों के कबूतर हैं। इनके नोके आपने देखनी, जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे ये खूबसूरत भी बनेंगे, इनके अंदर ब्रीडर बच्चे भी हैं और इसी के अंदर परवाजी बच्चे भी सारे शामिल हैं। जितने चाहिए हो, जितने पीस किसी को चाहिए मिल जाएंगे, लेने वाले की मर्ज़ी है, जितने पीस कहेगा कोई बंदा उतने पीस इंशाल्लाह निकाल देंगे। अब ये देखें ना ये पट्टी है जानी, सेम रेट पर ही है जो जितने भी होने हैं पैसे, लेकिन इसने 100% ब्रीडर बनना है। चेहरा मुराज का आप देखें माशाल्लाह कितनी अभी से बड़ी खूबसूरत है, आई है कि कोई एक आधा बच्चा ना कोई मांग ले, कोई दोस्त वो कह दे जी दो दे दें चार दे दें, इस तरह नहीं है, कम से कम कोई 10 बच्चे किसी को चाहिए हो मिल जाएंगे। नहीं कि दो चार बच्चों का मैंने शौक आपको करवा दिया है, बाकी ये आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ कुछ ब्रीडर कबूतर जो मेरे हाथ आते हैं ना उनका भी मैं आपको शौक करवा देता हूँ। ये पहले बता रहा हूँ कि सारे के सारे फिट हैं, हेल्दी हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है,
किसी बच्चे में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं आएगा और ना ही किसी बड़े कबूतर में कोई मसला। मैं ना थोड़ा सा शौक करवाता हूँ आपको इनके ब्रीडर कबूतरों का भी। नहीं जी, ये एक टेडी पेयर है, इसका मैं आपको शौक करवाता हूँ। माशाल्लाह इसी तरह के बच्चे बनेंगे, जो टैडी होंगे वो सेम इसी तरह के बनेंगे। और ये रिजल्टेड हैं कबूतर, जो भी काविश है इनकी अपनी है इसके पीछे। ये देखें, ये मादा का पार्क होंदा, वाइब्रेशन देख रहे हैं परों की आप। कबूतर इंशाल्लाह ऐसे ही जाएंगे सारे के सारे, जो भी बच्चे हैं जितने भी, वो सारे ऐसे ही नज़र आएंगे आपको जैसे ऐसे बड़े होंगे। आगे जो बंदा को उसमें से को रोकना चाहता है, रोके उड़ाना चाहता है, वैसे तो अच्छे ही उड़ाए जाते हैं और मज़ा भी उनका ही आता है। टैडी इनके इसी तरह के हैं, चीनों का भी शौक है बाता। ये नारंग, बल्कि ये जोड़ा ऑलमोस्ट लगा ही हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितने नीट एंड क्लीन आंखें। और इसी तरह ये इनके बच्चे जो है ना, वो आगे इन्हीं रंगों में बनेंगे इंशाल्लाह। अगर ये पर्क आपको पूरा नज़र आए ना, सेम क्वालिटी है, बड़े दराज गुंदे के कबूतर और अच्छे साइज़ के। ये देखें, मेरी कोशिश होती है शौक में अच्छे तरीके से करवा देता हूँ, आगे दोस्तों के वो समझ आने की बात है, जिसको जो समझ लगती है। कुछ दोस्त समझते हैं शायद कोई दुकानदारी चल रही है, दुकानदारी वाला हिसाब तब नहीं है, ये अपने कबूतर हैं सारे के सारे। क्योंकि मेरी कोशिश होती है दो चार दे दिए जाएं, लेकिन अच्छे दे दिए जाएं। ये और ये खाली रंगों के सीन नहीं है, ये कबूतर अपने आप में भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। ये नरमा के सामने ही आ गए थे, मैंने कहा चले इनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। ये देखें, ये नर है और ये मादा आके बैठी हुई है। कबूतर सारे के सारे माशाल्लाह बड़े एंटीक हैं। जी मैं इनके ना सलारों को आपका शौक करवाता हूँ। सलारे भी इनके बड़े खूबसूरत बने हुए हैं और यकीन करिए इनके अपने ही हैं सारे, बिल्कुल ख़रीदा हुआ कबूतर कोई नहीं होता और लाया हुआ कबूतर भी कहीं से नहीं होता, अपने बनाए हुए इनके। जिस लेवल का शौक है, अपना शौक करते हैं, अपने ही बनाते हैं और अपने उड़ाते हैं। ये भी बड़ी ख़ास बात होती है कि अपने बनाने और अपने उड़ाने। आप परों का सीक्वेंस देखें, परों का चढ़ाव देखें, मेन चीज़ है चढ़ाव देखने वाली है कि पूरा पल्ला भी आप खोल देते हैं। मैं यहाँ से पकड़ के ये सारा खोल देता हूँ और बगल उसकी अभी तक मेरे अंगूठे से उतरी नहीं है। ये देखिए कहाँ पे बगल गई हुई है, ये ख़ास बात है। हर लिहाज से कम्पैक्ट कबूतर बने हुए, दिखाने का मकसद ये है कि बच्चे भी सेम इसी तरह नहीं होंगे। अब ये दूसरा भी ये सलारा कबूतर है, ये भी इन्हीं में से ही है। कबूतरों के डायल देखें, मोरे देखें कबूतरों के। शौक करवा रहा हूँ आपको, मकसद शौक करवाने का ये है कि अच्छी नस्लें संभाल के रखी हुई हैं, अच्छे कबूतर संभाल के रखे हुए। किसी दोस्त के पास अगर जाएंगे तो इंशाल्लाह उसका शौक पूरा होगा इन बच्चों के हवाले से। बड़े कबूतरों का ये है कि सीधी सी बात है, बड़ी मशीनें जो हैं वो कम ही दोस्त देते हैं, देने को दे भी दें लेकिन बात यह है कि वो उस हिसाब से अगर कोई खर्चता हो पैसे तो ज़रूर मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्त समझते हैं शायद कोई कूड़ कबाड़ ही है। ये उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो कहते हैं कूड़ कबाड़, जो समझते हैं बातों को, उनके लिए नहीं। बाकी फ़ोन करना हो जब मर्ज़ी करें आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए एक ये नर है, ये भी इन्हीं में से ही है। आप इसकी भी खूबसूरती देखें, ये थोड़ा सा यरकानी आँख में जैसे मेरों वाले कबूतर होते हैं, लेकिन बहुत प्यारा कबूतर है। पर कुंदा इसका भी आपके सामने, ये देखें पर से पर जुड़ा हुआ है। और स्पेशली ये आखिरी दो तीन पर आप देख लेने, ये बाहर नहीं जाते, उनको छोड़ते भी हैं कबूतर, पर अंदर ही हैं सारे।
ऐसे पर खुल नहीं गए अचानक के बिल्कुल ही वो बाहर आ जाए। अब ये दुम में अभी पर झाड़ रहा है लेकिन उसके बावजूद दुम उसकी बिल्कुल बंद है, जामनी पंजे। कबूतर सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए। चलिए जी, ये बच्चे हैं और इनके साथ ये कबूतर हैं जो दिखाए मैंने आपको। दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि इसी तरह के कबूतर पड़े में किसी को जोड़े वगैरह चाहिए होंगे वो एक अलग बात है, मिल जाएंगे, लेकिन बहरहाल बच्चों के लिए ये वीडियो इनके मैं बना रहा हूँ। कोई ऑलमोस्ट 40 के करीब बच्चे हैं, जिसको जितने चाहिए वो मिल जाएंगे। सिर्फ ये है कि अभी मैंने अलहदा अलहदा कोई नहीं किए और दो ही नस्लें हैं सिर्फ, या टैडी हैं या इनके पास चीनी है, तो उनके आपस में क्रॉस हैं और उन्हीं में से ये आगे उड़ाते हैं हर सीज़न।